जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का सुविचार है, क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। दोस्तों माने या न माने, ये जिंदगी की बड़ी ही कड़वी सच्चाई है। दोस्तों देखने में क्रोध और आंधी दोनों समान है। आंधी जब आती तो अपने साथ धूल मिट्टी का बवंडर लेकर आती है और पूरे घर माहौल को धूल से भर देती है, चीज़ों का नुकसान कर देती है, बहुत सारी चीज़ें इस तूफान में टूट जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब क्रोध की आंधी आती तो वह शब्दों की बवंडर को साथ लेकर आती है और हमारे रिश्तों को तोड़कर चली जाती है। क्योंकि दोस्तों जब क्रोध आता है तो हमारा अपने शब्दों पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता और जाने अनजाने न चाहते हुए कुछ ऐसे शब्द हमारे मुँह से निकल जाते हैं जिनसे हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों हर इंसान हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है सोचने और काम करने का। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार एक बंद घड़ी दिन में दो बार तो सही समय बतलाती ही है, जबकि वो निर्जीव है, बंद है, खराब है, लेकिन फिर भी उसको देखकर ये मालूम पड़ता है कि दिन में दो बार तो वो सही समय बतलाएगी ही बतलाएगी। वैसे ही दोस्तों हम इंसानों में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन जब हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कमियां नज़र आती है। कि उसकी बजाय जब क्रोध आए तब हम उस इंसान की अच्छाइयों को देखने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ हद तक हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और दोस्तों वैसे भी क्रोध और गुस्सा जो है किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। शांत रहकर आपस में वार्तालाप कर कर ही हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। और कभी भी दोस्तों अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को अगर हम सही करने की कोशिश करेंगे तो वह कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की नज़रिए से देखेंगे तो आप भी उतने ही गलत होंगे जितने कि हमें दूसरे इंसान गलत लगते हैं। इसलिए एक बार अपने सोचने के तरीकों को हमें फिर से सोचने की ज़रूरत है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर संयम रखने की बहुत अधिक ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों आंधी से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना तो बड़ा आसान है, लेकिन एक बार क्रोध से जो रिश्तों में गांठ लग जाती है, जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करना आसान नहीं होता है। फिर दोस्तों चाहे रिश्ते ठीक भी हो जाए तो ऊपर से ही ठीक होते हैं, अंदर से एक गांठ लग जाती है जो समय की चोट से, हल्की सी चोट से टूट जाती है। इस दोस्तों कोशिश करें रिश्तों को मधुर और मिठास से भरा हुआ बनाने की, ताकि उस मिठास से रिश्तों की डोर और भी मजबूत हो जाए, जिसे कोई भी आंधी तोड़ ना सके। दोस्तों ये था आज का सुविचार। सुविचार अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जुड़े रहें चैनल से, सब्सक्राइब करके रखें और घंटे के बटन को प्रेस कर दें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।